सन्यासी राजीव साधवजी ने प्रासंगिक उद्बोधन माटे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मंच पर यहाँ पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष अमित चावड़ा जी जिनके प्रचार सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित और आने वाले समय में आपके सांसद सभ्य के रूप में काम करने वाले हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री तुषार भाई चौधरी जी मंच पर यहाँ पर उपस्थित बाकी दो उम्मीदवार अशोक भाई धर्मेश पटेल जी मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेता गौरव भाई कदीर भाई हमारे उपनेता शैलेश परमार जी युवा धारा सभ्य और जिनसे बड़ी आशाएं हमें है ऐसे भाई आनंद जी यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए सभी धारा सभ्यगण मोहंती जी और इतने धूप में यहाँ पर उपस्थित सभी गांवों से सभी यहाँ के परिसर से यहाँ पर आई हुए सभी वरिष्ठ नेता सभी माताएं सभी बहनें आप सबका इस कड़ी धूप में मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाह रहा हूं। जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा इससे स्पष्ट है कि 2017 में जो गुजरात में कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया उसको आगे लेकर देश में कांग्रेस की सरकार लाने की दिशा में गुजरात ने अब रुख लिया है और इसलिए मैं आपका यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव थे और मैं राहुल जी ने गुजरात के कोने कोने में बस यात्रा की आप लोगों के साथ वो बैठे और आप लोगों का अपार प्रेम अपार जन समर्थन राहुल जी को 2017 में मिला और देश के कोने कोने में जब भी राहुल जी जाते हैं तो उसकी बात करते हैं कि जो प्यार जो अपार जन समर्थन गुजरात ने उनको दिया है उसकी बात देश में हर जगह राहुल जी के द्वारा होती है और इसीलिए मैं आपको यहां पर आने के लिए धन्यवाद तो देता हूं लेकिन जो आम आदमी की सरकार का हमारा सपना था जो किसानों की खेडूतों की सरकार का हमारा सपना था जो महिलाओं की सही मायने में उनको न्याय देने वाली सरकार का हमारा सपना था वो 17 में पूरा नहीं हो सका लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जब राहुल जी प्रचार कर रहे थे तब राहुल जी ने कहा कि खेडूतों की कर्जा माफी हम करेंगे किसानों की कर्जा माफी हम करेंगे। हमारी राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार आई और विपक्ष के लोग पूछने लगेंगे कि क्या 10 दिन में कर्जा माफी होगी। राहुल जी ने कहा 10 दिन नहीं मैं 2 दिन में कर्जा माफी करके दिखाऊंगा और हमारी राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 दिन में किसान की कर्जा माफी करके दिखाई। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी तब हमने किसानों की कर्जा माफी का उस वक्त डिसीजन लिया और उस वक्त भी कर्जा माफी करके दिखाई। 23 साल से इस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इनको अनिल अंबानी को मदद करने के लिए पैसा है इनको सभी नीरव मोदी हो सकता है ललित मोदी हो सकता है विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देकर भगाने के लिए इनके पास पैसा है लेकिन आम आदमी के लिए आम किसान के लिए आम युवा के लिए इनके पास पैसा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय की बात की है। हर गरीब आदमी के खाते में 72,000 रुपए डालने का एजेंडा हम लेकर आए हैं और आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए मैं यहाँ पर आप सबका आने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा और जिस तादाद में आप आए हो मेरी आपसे ये विनती है कि गांव-गांव में शहर शहर में वार्ड वार्ड में जाकर कांग्रेस का परचम 23 तारीख को इलेक्शन है पूरी ताकत से कांग्रेस के पंजा के सामने आप बटन दबाइए सरकार गरीबों की सरकार आम आदमी की सरकार मेरे माता बहनों की सरकार मेरे युवाओं की होगी और अपने सपने पूरे होंगे। आप सब यहाँ पर आए उसके लिए मैं बहुत दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय गुजरात। जय कांग्रेस।